हेलो गाइज, सेविंग फंड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर का बादशाह फंड लॉन्च हो चुका है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। काफ़ी तगड़ा फंड माना जा रहा है, क्योंकि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने पिछले सिर्फ एक साल में 198% का, यानी कि 198% का शानदार रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। तो अगर आप इस फंड में मान लीजिए 5,000 रुपये की मंथली ऐसे भी स्टार्ट करते हैं, तो भी दोस्तों सिर्फ 10 साल के बाद, यानी साल 2035 में आपको 1 करोड़ रुपए का फंड मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों डिफेंस इंडेक्स का जो लास्ट 5 ईयर में रिटर्न है CAGR, वो यहाँ पर 55% का है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या आपको दोस्तों इस डिफेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, साथ ही दोस्तों SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। इस फंड में दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कराएं या लॉन्ग टर्म सही रहेगा, तो ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में है इस न्यू फंड को लेकर, वो इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। साथ ही जो इंडेक्स के रिटर्न्स हैं उसके बेस पर वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा कि अगर आप इस फंड में लाइक 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000 रुपये की मंथली ऐसे भी शुरू करते हैं, या फिर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5-10 लाख रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, तो अलग अलग टाइम पीरियड में, जैसे कि 5 साल, 10-15 साल बाद कितना पैसा मिल सकता है। तो नए फंड का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस नए फंड की जो इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल है उसको देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड का जो NFO है वो लॉन्च हुआ था 13 जून 2024 को, जो कि दोस्तों मात्र 12 से 13 दिन चला है, यानी कि 27 जून 2024 को क्लोज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर दोबारा से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो NFO है वो 9 जुलाई 2024 को रीओपन होने वाला है। जब रीओपन होगा तब दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI है, यानी अभी जो फंड का NAV प्राइस है वो सिर्फ 10 रुपीज़ है, यानी 10 रुपये नेट एसेट वैल्यू प्राइस के हिसाब से अभी आपको जो यूनिट अलॉट की जाएगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फंड में आप दोस्तों मिनिमम 500 रुपये की SIP से जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये फंड आपके लिए काफ़ी बढ़िया होने वाला है अगर लो रिस्क के साथ में डिफेंस सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। लेकिन थीमेटिक फंड होने के कारण दोस्तों रिस्कोमीटर में वेरी हाई रिस्क की फंड है। लेकिन अगर इंडेक्स के रिटर्न्स देखें तो लास्ट 1 ईयर में, जैसे मैंने बताया, 198% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 103% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि 5 ईयर रिटर्न की बात करें तो 77% का करीब रिटर्न है, यानी दोस्तों CAGR 55% का रिटर्न है। तो इंडेक्स का रिटर्न काफ़ी तगड़ा है। वहीं इस फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा 1 साल से पहले रिडीम करने पर आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होगा। वहीं एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो आपका 0.70% के आसपास रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स की बात करें कि आपका इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा ये फंड कौन कौन सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों ये फंड डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो इंडिया को काफ़ी मजबूत करने वाला है। क्योंकि इस फंड का पैसा यहाँ पर जो टॉप स्टॉक है इंडिया के, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, LNT एंड सोलर इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर इन टॉप 2 स्टॉक्स के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने लास्ट 1 ईयर में 190% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 158, यानी कि 158% के करीब रिटर्न दिया है। और दोस्तों इस फंड की होल्डिंग सबसे ज़्यादा इन 2 स्टॉक में रहने वाली है, यानी कैपिटल गुड्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर 70% पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जबकि दोस्तों केमिकल सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन और बाकी अदर सेक्टर में जो होल्डिंग रह सकती है। तो इस तरह से दोस्तों इस फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। बाकी दोस्तों इंडेक्स रिटर्न के हिसाब से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखें, एक एग्जाम्पल लेके, तो जैसा कि दोस्तों लास्ट 5 ईयर का जो CAGR रिटर्न है वो 55% के करीब है, बट आपको इन फ्यूचर 40% का भी रिटर्न मिलता है और आप इसमें SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर SIP की बात करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, तो आप टेबल देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 1,000 रुपये की मंथली SIP शुरू करते हैं आने वाले 10 साल तक, तो 1,20,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जिस पर 40% रिटर्न के हिसाब से उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 15,54,000 रुपये की। भाई मान लीजिए आप 20 साल तक 1,000 रुपये की SIP करता है तो 2,40,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी जो वैल्यू बनेगी 40% रिटर्न के हिसाब से वो 81,07,000 रुपये की। वहीं 25 साल तक कंटिन्यू आप 1,000 रुपये की SIP करते हैं तो 3 लाख टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 40% रिटर्न के हिसाब से उसकी जो वैल्यू बनेगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 58 करोड़ रुपए की। और ये दोस्तों कोई मजाक नहीं है,
पावर ऑफ कंपनी का कमाल है। अगर आपको 40% का ऋण मिलता है तो मंथली आपके 1000 रुपये की वैल्यू 25 साल बाद 58 करोड़ रुपये का फंड बना सकती है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, बट रिटर्न कम ज़्यादा भी हो सकता है। भाई मान लीजिए आप 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये ऐसे भी करते हैं 10 साल तक, तो 6 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 40% का मान लीजिए रिटर्न मिल जाता है तो सिर्फ 10 साल में 5000 मंथली की वैल्यू 77,73,000 रुपये हो जाएगी। भाई 20 साल तक 5000 रुपये ऐसे भी करने पर 12 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 40% का अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 40 करोड़ रुपये की वैल्यू हो जाएगी। जबकि 25 साल तक 5000 मंथली ऐसे भी करने पर 15 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होगा और उसकी जो वैल्यू बनेगी आप देख सकते हैं 40% रिटर्न के हिसाब से करीब 300 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं दोस्तों 300 करोड़ रुपए की वैल्यू मात्र 25 साल में, लेकिन रिटर्न आपको 40% का मिले तब। अब लमसम की बात करें तो ऐसे भी जगह मान लीजिए आप 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, आने वाले 10 साल तक 40% का रिटर्न मिलता है तो 14,46,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। जबकि 20 साल तक 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट रखने पर 4,18,00,000 रुपये की वैल्यू। वहीं दोस्तों 25 साल के टाइम पीरियड में मात्र 50,000 की वैल्यू 40% रिटर्न के हिसाब से 22.5 करोड़ रुपये का फंड बनाएगी। जबकि आप 50,000 की जगह 5,00,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं आने वाले 10 साल तक तो 40% रिटर्न के हिसाब से 1,44,00,000 की वैल्यू बनेगी। वहीं 20 साल के टाइम पीरियड में आपके 5,00,000 रुपये बढ़कर 40% रिटर्न के हिसाब से 41,43,00,000 रुपये की वैल्यू बना देगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कौन सा सेक्टर ने अब तक है जो इतना रिटर्न दिया है 40% करीब। तो मान लीजिए यहाँ पर 40 की जगह आपको यहाँ पर 20% का भी रिटर्न मिलता है और आप 5,00,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, कितने टाइम के लिए, 20 साल के लिए। तो 20 साल में 5,00,000 की वैल्यू बढ़कर 1,98,00,000 यानी करीब 2 करोड़ रुपये का फंड बना सकती है। जबकि आपके पास कोई बड़ा लमसम अमाउंट नहीं है और आप 5,000 रुपये की मंथली ऐसे भी शुरू करते हैं इस डिफेंस सेक्टर के अंदर यानी कि इस फंड के अंदर और 20% का आपको रिटर्न मिलता है तो 20 साल में आपके 5,000 मंथली के हिसाब से 12 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन 20% के हिसाब से उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 1,58,00,000 रुपए की। लेकिन दोस्तों डिपेंस इंडेक्स रिटर्न के हिसाब से यहाँ पर 20% से आपको ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो सबसे पहला यानी कि जो प्रायोरिटी होती है वो होती है सिक्योरिटी। डिफेंस सेक्टर लगातार ग्रो करते रहेंगे और आपको काफ़ी तगड़ा रिटर्न बनाकर देगा। अब मैंने यहाँ पर दोस्तों जो भी कैलकुलेशन बताई है और उसमें जो भी रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया है वो जस्ट एक एग्जांपल है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर डिफेंस इंडेक्स का पास्ट में कितना बढ़िया परफॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में आपको 40% का रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती है, रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर लाइक 10 साल 15 साल 20 साल से ऊपर, तभी इस फंड में जो इन्वेस्टमेंट करें। ये दोस्तों एक थीमेटिक फंड है, इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट करने की बजाय SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर रहेगा, ताकि फ्यूचर में कभी दोस्तों मार्केट यानी कि ये जो सेक्टर है वो ऊपर नीचे होगा तो भी आपको उतना है जो इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। देखिए दोस्तों डिफेंस सेक्टर का काफ़ी तगड़ा फंड है, काफ़ी बढ़िया है, बट इन्वेस्टमेंट को लेकर मेरा पर्सनली कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप रिसर्च करने के बाद ही अपनी जो रिस्क है उसको देखते हुए कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले एक बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लें, देन उसके बाद यह जो इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, रिटर्न्स यहाँ पर जो भी लिए गए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए लिए गए हैं, तो आप रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.